शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे उठो असुरों, अंत कर दो कामदेव और रति का। देवी, हम इन असुरों का सामना अकेले नहीं कर सकते, हमें यहाँ से शीघ्र जाना होगा अथवा ये असुर अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। शीघ्र शीघ्र चलो यहाँ से। भागुरती, अरे उठो असुरों, पीछा करो उनका, जीवित बचकर जाने ना पाए। देवी, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा ताकि ये असुर हम तक पहुंच ना सके। शीघ्र चलो। असुरों, कहां गए ये लोग? गुरुदेव, ना जाने कहां अदृश्य हो गए कामदेव और रति। चाहे दोनों जहां भी चले जाएं, किंतु एक बात तो निश्चित है, प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव पुनः काम लोग कभी नहीं आएंगे और अब कभी नहीं होगा। इस संसार में उनका आनंद उत्साह देवताओं, मैंने इस संसार से बसंत उत्सव को खंडित कर दिया है। अब इस संसार में ना आएगा बसंत और ना ही बदलेगी ऋतुएं और ना ही होगा किसी के मन में प्रेम और आनंद। अब इस संसार में होगा केवल दुख, पीड़ा और दर्द। इसका अर्थ यह है कि अब इस संसार से देवताओं का साम्राज्य का अंत होना और असुरों के साम्राज्य का आरंभ। तुलसी, उस वर्ष पृथ्वी पर वसंत ऋतु नहीं आई, वन सूख गए, धरती अकालग्रस्त हो गई और भूमि के अंदर से भी अग्नि की लपटें उठने लगी। लोगों के हृदय का प्रेम और आनंद मृतप्राय हो गया, संसार से भक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि इन सब के वाहक रति और कामदेव ही संसार में नहीं थे। प्रभु, फिर तो ना केवल मनुष्यों के लिए अभी तो सभी देवताओं के सम्मुख भी बहुत बड़ी विपदा उपस्थित हो गई होगी। हाँ तुलसी, किसी को ज्ञात नहीं था कि रति और कामदेव कहाँ है, इसलिए देवों की प्रार्थना पर स्वयं महादेव ने कामदेव और देवी रति का स्मरण किया। हे देवी रति, कामदेव, ऋतुओं का संचालन आप दोनों का उत्तरदायित्व है, किंतु ये संसार वसंत से वंचित है, अकालग्रस्त, नदियां सूख गई हैं, वन उपवन निर्जन हो गए हैं, संसार में हर्ष और आनंद समाप्त हो चुका है, मनुष्य और देवत्व संकट में, क्यों कामदेव? क्षमा प्रभु, किंतु जब वसंत के देवता ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वसंत कैसे आएगा? जब सुहाग और सौंदर्य की देवी का जीवन ही संकट में होगा तो संसार में आनंद और मंगल कैसे हो सकता है? प्रभु, आप कहना क्या चाहती हैं देवी? प्रभु, हम जब भी वसंत उत्सव मनाते हैं, हम जब भी अपना अपना श्रृंगार नृत्य आरंभ करते हैं, असुर हम पे आक्रमण कर देते हैं। प्रभु, ये तो अत्यंत विकट समस्या है। तुलसी, उन असुरों में से कई असुर ऐसे भी थे जिनका सामना देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते थे, इसलिए महादेव ने अपने तांडव से एक ऐसे गण की उत्पत्ति की जो सर्वशक्तिशाली हो और हर असुर को पराजित करने में सक्षम हो। Shiva Shiva Jata Kata Sambhama Pramam Vipa Nirjane Vilola Vinchavallani Vinashamana Murthani
दूंगा मैं, सबका सर्वनाश कर दूंगा। महागण, प्रणाम महादेव। महादेव बताइए मुझे कि आपने मुझे क्यों जन्म दिया है, किसका वध करना है मुझे? महादेव कौन है वो जिसके कारण आपको तांडव करना पड़ा? क्योंकि आपका यह महागण संपूर्ण सृष्टि का नाश करने में सक्षम है। बताइए मुझे महादेव, किसका नाश करना है मुझे? महागण, तुम्हें विनाश नहीं अपितु रक्षा करनी। इस सृष्टि के सुख और आनंद, प्रेम और सौंदर्य के देव देवी रति और कामदेव की रक्षा करनी होगी तुम्हें। और जो भी इनके लिए संकट बने उसका विनाश करना है तुम्हें। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। रक्षा? क्या संकट छाया है इन पे महादेव? कौन है वो जो देवी रति और कामदेव का अहित चाहता है? महागण, ये समृद्धि प्रेम और सौंदर्य के देव हैं, और असुर उन्हीं के शत्रु होते हैं। इसीलिए वो देवी रति और कामदेव का अहित करना चाहते हैं, उन्हें अपने अधीन करना चाहते हैं। इसलिए अब तुम्हें समस्त असुरों से इनकी रक्षा करनी होगी, और ये सुनिश्चित करना होगा संसार में कोई भी असुर किसी भी स्थिति में इनके निकट ना पहुंचे। आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है महादेव। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं हर क्षण देवी रति और कामदेव की सुरक्षा करूंगा, और जो कोई भी इनका अहित करने का प्रयास करेगा मैं उसके प्राण हर लूंगा, अंत कर दूंगा उसका। देवी रति, कामदेव, महागण मेरे ही रौद्र रूप है, मेरी ही शक्तियों से इनका जन्म हुआ है। संसार की कोई भी शक्ति इन्हें कभी भी पराजित नहीं कर सकती। यह अजर अमर है, अविजित है, और मोह माया काम वासना इन्हें कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए आप दोनों पूर्णतः सुरक्षित हैं। हे महागण, आपने हमारी रक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं पर लिया, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। और उस दिन के पश्चात महागण कामदेव और देवी रति की रक्षा करने लगे। संसार के सौंदर्य और श्रृंगार की रक्षा में अब स्वयं महादेव के गण महागण थे। इसलिए जब कभी भी असुरों ने उनके काम नृत्य को, वसंत उत्सव को खंडित करने का प्रयास किया, महागण ने अपनी शक्तियों से उनका अंत कर दिया। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।